डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने साइंस में मानव हृदय के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको पंपन यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब पंपन यंत्र में हम आपको फिगर बनाने के लिए दिए हुए थे। अब उसमें हम लोगों को और कुछ पॉइंट्स बच गया था, चलिए उसी के नीचे एरो देकर लिखा जाए। लिखेंगे, जब दायां आलिंद संकुचित होता है तो दायां निलय फैल जाता है। जब दायां आलिंद संकुचित होता है तो दायां निलय फैल जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, दोनों, जैसे हम लोग आप पिछले क्लास में पढ़े थे कि हमारा हृदय जो है, मानव का हृदय है, वो चार कोष्ठ में बटा हुआ है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और बीच वाला को विभाजिका कहते हैं। ठीक है, बीच वाला को विभाजिका कहते हैं। इधर का अगर बात करें तो ये है बायां आलिंद, ये है बायां निलय। यानी कि अगर कोई पूछेगा कि मानव का हृदय वो कितने पार्ट में बटा है, कितने कोष्ठ में बटा है, तो चार कोष्ठ में, बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय। ठीक है, तो दायां आलिंद दायां निलय और बायां आलिंद बायां निलय। अभी हम लोग लिखें कि जब दायां आलिंद अगर संकुचित होता है, संकुचित का मतलब होता है सिकुड़ना, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि जब दायां आलिंद सिकुड़ता है तो दायां निलय फैल जाता है, और बायां आलिंद अगर सिकुड़ता है तो, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट होता है, ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा, ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा। क्यों? क्योंकि ये सिकुड़ रहा है तो ये सिकुड़ का मतलब छोटा होगा, तो इससे ब्लड जो है दायां निलय में चला जाएगा, और ये जब सिकुड़ेगा तो यहाँ से, यानी कि ब्लड का फिल्टर का मतलब पानी, वाटर फिल्टर होता है ना, वाटर फिल्टर का मतलब वाटर शुद्ध होता है, पानी वाला जो मिनरल वाटर जिसको बोलते हैं, जहाँ पे वाटर शुद्ध होता है, समझिए कि मेरा हृदय वही है, ब्लड को क्या करता है, शुद्ध करता है। ठीक है, तो वही है हमारा हृदय। तो अभी हम लोग लिखें कि दायां आलिंद जब संकुचित होता है तो दायां निलय क्या हो जाता है, फैल जाता है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, आलिंद की पेशीय भित्ति निलय की पेशीय भित्ति की अपेक्षा मोटी होती है, कॉमा, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है, पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। आप याद रखिएगा, हमारा अगर बात किया जाए तो बायां आलिंद है, बायां निलय है, दायां आलिंद और दायां निलय, ये चार कोष्ठ है। यानी कि आलिंद और निलय दोनों तरफ है, आलिंद और निलय दोनों तरफ है। तो अगर बात किया जाए तो आलिंद के अपेक्षा निलय की जो भित्ति होती है, यानी कि निलय का जो परत होता है अंदर का, वो मोटा होता है, ये मोटा होता है, और आलिंद का दीवाल जो होता है वो पतला होता है। ऐसा क्यों होता है? आप याद रखिएगा, हमेशा निलय का जो दीवाल होता है, भित्ति, भित्त का मतलब दीवाल, पेशीय भित्ति, ठीक है, ये अपेक्षाकृत आलिंद की पेशीय भित्ति निलय की पेशीय भित्ति की अपेक्षा मोटी, सॉरी सॉरी, ये निलय की अपेक्षा मोटी होती है, आलिंद मोटी होती है, अपेक्षा लिखा हुआ है ना, और ये पतली होती है। तो याद रखिएगा कि आलिंद और निलय में कौन मोटा होता है, तो आलिंद मोटा होता है निलय के
आलिंद की पेशीय भित्ति निलय की पेशीय भित्ति की अपेक्षा मोटी होती है, यानी आलिंद मोटी होती है, निलय पतली होती है। अब आपको पूछा जाएगा कि बायां आलिंद और बायां निलय में कौन मोट, किसकी पेशीय भित्ति मोटी होती है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि बायां आलिंद चाहे बायां निलय, हमको बायां से मतलब नहीं है, जहाँ पे आलिंद लग गया वहाँ पे उसका पेशीय भित्ति मोटी हो जाएगी निलय से, ठीक है। तो यानी कि इसका जो पेशीय भित्ति है वो मोटा बनाया जाता है, मोटा होता है। क्यों मोटा होता है? क्योंकि निलय को, ये जो निलय है इसको पूरे शरीर में रुधिर को भेजना होता है, ब्लड को भेजना होता है। इसलिए याद रखिएगा आलिंद को मोटा बनाया जाता है, इसको पतला बनाया जाता है। क्यों पतला बनाया जाता है? क्योंकि इसी से, इसी का काम है पूरे शरीर में ब्लड को भेजना, रुधिर मतलब ब्लड को भेजना। फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए जब आलिंद या निलय, जब आलिंद या निलय, जब आलिंद या निलय संकुचित होता है तो, संकुचित होता है तो वाल्व, वाल्व उल्टी दिशा में, वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को, रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं, रोकना सुनिश्चित करते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है या तो आलिंद, यानी कि आलिंद का मतलब दायां आलिंद या बायां आलिंद, या फिर बात किया जाए निलय, कौन सा निलय, तो दायां निलय या बायां निलय, दोनों में से अगर कोई भी संकुचित होता है, संकुचित का मतलब सिकुड़ता है, तो वाल्व, वाल्व जो है उल्टी दिशा में खुलती है जहाँ से रुधिर का प्रवाह होता है। हम वाल्व दिखाते हैं, ये देखिए, ये है हम लोगों को बायां आलिंद, ठीक है, ये है हम लोगों को बायां आलिंद, और इस बायां आलिंद या निलय सिकुड़ता है तो यही हम लोगों का वाल्व है। वाल्व का मतलब आने जाने वाला, ब्लड का आने जाने वाला रास्ता। ये हम लोगों को देखिए यहाँ पे वाल्व है, इसी से ब्लड यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ से ब्लड यहाँ पे आया और यही वाल्व जब खुलता है तो हम लोगों का ब्लड आता है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों में से कोई भी अगर खुला या संकुचित हुआ, यानी कि आलिंद या फिर निलय, दोनों में से कोई भी अगर संकुचित होगा तो क्या होगा, तो वाल्व जो है उल्टी दिशा में खुलती है जहाँ से रक्त का, यानी कि ब्लड का प्रवाह को रोकना सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आर देंगे, लिखेंगे उसके नीचे हृदय का दायां और बायां बंटवारा, हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजन तथा, ऑक्सीजन तथा, ऐसे ऑक्सीजन नहीं, ऐसे लिखिएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजनित, विऑक्सीजनित, ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजनित रुधिर को, रुधिर को मिलने से रोकने में, मिलने से रोकने में लाभदायक होता है, मिलने से रोकने में लाभदायक होता है, मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। चलिए सबसे पहला हम आपको दिखाना चाह रहे हैं फिगर हृदय का, ये देखिए हम लोगों का हृदय है, ये जो हृदय है ह्यूमन हार्ट है, ये ह्यूमन हार्ट का बीच वाला पार्ट को बोलते हैं विभाजिका, ये विभाजिका है, यही विभाजिका हृदय को दो भागों में बांटती है, दायां भाग और बायां भाग, इधर वाला को बोलते हैं बायां भाग, इधर वाला को बोलते हैं दायां भाग, इसीलिए हमारा जो हृदय है वो चार कोष्ठ में बटा हुआ है। मानव हृदय कितने कोष्ठ में बटा हुआ है? चार कोष्ठ में,
एक का नाम है बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि ये जो विभाजिका है जो बायां और दायां में बांटता है, ये काम क्या करता है, तो ऑक्सीजन और विऑक्सीजनित को मिलने से बचाता है। यानी याद रहे कि ये जो हम लोगों को दायां और बायां बंटवारा है, ये काम क्या करता है, तो ये काम करता है कि ऑक्सीजन और विऑक्सीजनित ब्लड को रोकने में, यानी कि नहीं मिलने देता है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही सीख रहे हैं कि दायां और बायां बंटवारा जो हृदय का हुआ उसका क्या लाभ है, तो आंसर करेंगे कि वो जो है ऑक्सीजन और विऑक्सीजनित, विऑक्सीजनित का मतलब खराब वाला खून जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, जो हमारे लिए हानिकारक है, तो उसको मिलने से बचाता है, ठीक है। तो आपको पता है हम मानव हृदय में कितने कोष्ठ हैं, 4 कोष्ठ हैं, मानव के हृदय में 4 कोष्ठ हैं, ठीक है। बार बार बोला जा रहा है, आप याद रखिएगा या फिर लिख ही लीजिए, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ का नाम लिख लीजिए उसके नीचे। पहला बायां आलिंद, दूसरा बायां निलय, तीसरा दायां आलिंद, चौथा दायां निलय, ठीक है। तो 4 का नाम हो गया, उसके नीचे नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए नेक्स्ट एरो देकर, पक्षियों तथा सरीसृप जैसे जंतुओं में पक्षियों तथा सरीसृप जैसे जंतुओं में तीन कोष्ठ वाले हृदय होते हैं। याद रखिएगा, मानव में के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, लेकिन पक्षियों का बात करें, जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी सरीसृप हैं, सरीसृप का मतलब सरक कर चलने वाले जीव, सरीसृप का मतलब होता है वैसे जीव जो सरक कर चलते हैं, जैसे कि सांप, ये सरक सरक के चलता है, केंचुआ सरक सरक के चलता है, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे जीव हैं जो सरक सरक कर अपने गति करते हैं, सरक कर, यानी कि उनको बोला जाता है सरीसृप, ठीक है। तो पक्षियों का बात करें और सरीसृप जीव का बात करें, तो ये लोगों में कितना कोष्ठ होता है, याद रखिएगा 3 कोष्ठ होते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है कि पक्षियों में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी कि कोष्ठ मतलब समझ रहे हैं ना, भाग, हृदय का भाग। जैसे मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, उसी तरीके से पक्षियों में कितने कोष्ठ होते हैं, तो पक्षियों या सरीसृप, सरीसृप का मतलब सरक कर चलने वाले जीव, उसमें 3 कोष्ठ पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एरो देंगे, मछलियों के हृदय में केवल, नेक्स्ट एरो देकर, मछलियों के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं, कौमा यहां से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है, क्लोम में भेजा जाता है, जहां ऑक्सीजन को सीधे पूरे शरीर में भेजा जाता है, याद रहे हम लोग बहुत सारे चीज़ पढ़े, मानव हृदय में 4 कोष्ठ, पक्षियों तथा सरीसृप में कितने, 3 कोष्ठ, लेकिन मछली के बारे में स्पेशल याद रखिएगा, मछली में केवल और केवल 2 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। मछली में कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं, जहाँ पे जो ऑक्सीजन है, सबसे पहले मछलियों में एक भाग होता है क्लोम, क्या होता है,
सर्कुलम, जैसे हमारा हृदय हुआ उसी तरीके से हृदय के एक भाग को बोला जाता है क्लोम। तो ऑक्सीजन जो होता है वो क्लोम तक भेजा जाता है और यही क्लोम से पूरे ऑक्सीजन को पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। तो याद रखिएगा मछली के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दो कोष्ठ, और पक्षियों सरीसृप के में तीन कोष्ठ, और मानव हृदय में चार कोष्ठ। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट एरो देंगे। लिखा जाए प्रत्येक चक्र में यदि रुधिर दो बार हृदय में जाता है तो इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। याद रखिएगा, यानी कि एक बार में, एक चक्कर में अगर हमारे हृदय में ब्लड जो है दो बार जाता है तब हम इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। सवाल आता है कि आप दोहरा परिसंचरण से क्या समझते हैं या दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा प्रत्येक चक्कर में यानी कि एक चक्कर में यदि रुधिर यानी कि खून दो बार अगर हृदय में जाता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण। यानी एक ही बार में, एक ही चक्कर में दो बार अगर हृदय में ब्लड आ गया तब हम इसको बोलेंगे दोहरा परिसंचरण। ठीक है, अब जो बात है हम लोग लिखेंगे दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसलिए इतना को पहले घेर देना है अपने हिसाब से। ठीक है, ये जो पॉइंट हम लोग सीख रहे हैं नोट में करके लिखेंगे, नोट इसको हम लोग चारों तरफ से ऐसे घेर देंगे। ठीक है, ये नोट में जो अभी हम लोग बात सीखने वाले हैं वो अभी सिर्फ और सिर्फ रक्त दाब के बारे में सीखने वाले हैं, रक्त दाब। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्रेशर, इसको शॉर्ट में बीपी भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम लोग नोट में करके बात लिखने वाले हैं वो स्पेशल किसके बारे में सीखेंगे, रक्त दाब के बारे में सीखेंगे, जिसका इंग्लिश ब्लड प्रेशर होता है और इसको शॉर्ट में बीपी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये बीपी नाम आप सुने होंगे, बहुत सारे आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग लोग होंगे तो उनका ये शिकायत रहता है कि आप समय समय पे अपना बीपी चेक कराइए। ठीक है, बीपी का मतलब क्या, ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर का हिंदी क्या, रक्त दाब। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो हृदय है ये पंपिंग करते रहता है, ये पंपिंग करने के दौरान होता क्या है कि हृदय जब पंप करता है तो इससे स्पीड से यानी हाई स्पीड से, हाई वेलोसिटी से ब्लड निकलते हैं और पूरे शरीर में जाते हैं। अगर यही संकुचन हृदय का धड़कन अगर स्लो हो जाता है तो ये दाब अच्छा से नहीं लग पाता है रक्त पे, यानी कि ये अच्छा से सिकुड़ रहा है टाइम टू टाइम, तो ये एक अच्छा दाब आरोपित करता है ब्लड पे जो पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। अगर यही दाब अगर कम हुआ तो हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर कम हो गया, अगर यही बीपी ज़्यादा हो गया हम बोलेंगे ब्लड प्रेशर हाई हो गया। और जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो लोगों को अकबकाहट हो जाता है। ठीक है, यानी कि उनको चक्कर आने लगता है, बहुत तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होने लगती है ब्लड प्रेशर की वजह से, क्योंकि उनका जो बोल सकते हैं कि रक्त का बहाव का जो दाब है वो अधिक हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि रक्त दाब किसे कहते हैं, सामान्य व्यक्ति के लिए बीपी कितना होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले रक्त दाब के नीचे ये नोट में ही करके लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एरो लिखा जाए रुधिर वाहिका के भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं। याद रखिएगा रुधिर वाहिका का जो भित्ति होता है, भित्ति का मतलब दीवार, रुधिर वाहिका का मतलब एक ऐसा नली जिसमें ब्लड बहता है, और इसके भित्ति पे
एक दाब आरोपित किया जाता है इसके विरुद्ध, उसी को हम लोग कहते हैं रक्त दाब। यह नाम ही पता चल रहा है कि दाब का मतलब प्रेशर, किस पे? रक्त पे, यानी कि ब्लड पे लगने वाला प्रेशर यानी कि दाब को हम लोग रक्त दाब कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि रक्त दाब यानी कि बीपी कितना होना चाहिए, तो एरो देकर लिखेंगे सामान्य तौर पर स्वस्थ मनुष्य का बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। देखिए 120/80, जैसे हम लोग बुखार वगैरह सबके लिए टेम्परेचर होता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का 96 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए तापमान शरीर का, वैसे ही दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तौर पे बीपी कितना होना चाहिए, याद रखिएगा 120/80। अगर ऊपर वाला भी बढ़ता है या घटता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, और ये 80 से बढ़कर 90 या 80 से घटकर 70 होता है तब पर भी हम लोगों को दिक्कत है। यानी एक्यूरेट जो स्वस्थ व्यक्ति का जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो कितना होना चाहिए, 120/80। ध्यान रहे 120/80 को हम लोग मैथमेटिक्स में 120 को ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अंश और हर नहीं बोला जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट आरो देखें लिखेंगे 120 को प्रकुंचन दाब कहा जाता है। प्रकुंचन दाब, ऊपर वाला को यहाँ पे प्रकुंचन दाब कहते हैं, दाब कहते हैं, जबकि 80 को अनुशिथिलन दाब कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछेगा कि बीपी, एक स्वस्थ व्यक्ति का बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो आप बोलेंगे कि 120/80 होना चाहिए। अब 120 यानी कि ऊपर वाला को क्या कहते हैं, तो प्रकुंचन दाब, यानी कि सीधा अगर कोई पूछ भी सकता है आपको कि एक स्वस्थ व्यक्ति का प्रकुंचन दाब कितना होता है, तो आप आंसर करेंगे 120। ठीक है, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति का अनुशीथलन दाब कितना होना चाहिए, तो ये होता है 80। यानी कि अलग अलग पूछेगा कि अनुशीथलन दाब कितना, तो 80, प्रकुंचन दाब कितना, 120। लेकिन जो बीपी मापा जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है, तो दोनों दाब को मिलाकर मापा जाता है, यानी कि प्रकुंचन दाब और अनुशीथलन दाब दोनों को मिलाकर बोला जाता है। यानी कि आप समझिए चीज़ों को, तो अगर कोई पूछेगा कि प्रकुंचन दाब कितना होता है, तो आप बोलेंगे 120। अगर अनुशीथलन दाब कितना होता है, आप बोलेंगे 80। लेकिन अगर कोई ये बोलेगा कि हमारे शरीर का बीपी कितना होता है, तो दोनों को मिलाकर कितना बोलेंगे, 120/80। जहाँ 120 को याद रखिएगा प्रकुंचन दाब और 80 को अनुशीथलन दाब। चलिए उसके बाद आते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आखिर रक्त दाब किससे मापा जाता है। ठीक है, जैसे आपको पता होना चाहिए हृदय को धड़कन मापने के लिए डॉक्टर जो है आला लगाते हैं, ऐसे करके एक आला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेथोस्कोप। याद रखिएगा, हृदय की धड़कन के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है, उस यंत्र का नाम है स्टेथोस्कोप। ये स्टेथोस्कोप काम क्या करता है, तो हृदय के धड़कन को मापता है। लेकिन दोस्तों उसी तरीके से अगर बात किया जाए तो रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर को कौन मापता है, तो ब्लड प्रेशर को मापने वाला का नाम है स्फाइग्मोमैनोमीटर। तो उसके नीचे एरो देंगे, इसके नीचे स्फाइग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्त दाब मापा जाता है। याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, स्फाइग्मोमैनोमीटर। जैसे बीपी, यानी कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना बीपी चेक करवाने के लिए, तो वो बीपी जो चेक करते हैं वो किस मशीन से चेक करते हैं, उस मशीन का नाम क्या है, स्फाइग्मो
मैनोमीटर। तो दोस्तों आज हम लोग बीपी के बारे में पढ़े, अगले दिन बीपी के बारे से आगे वाले जो टॉपिक्स होगा हम उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।